तो देख सकते हो आप, अलग ही सीन है भाई। पूरा पूरा रोड बह चुका है यहाँ पे, जस्ट टनल के 2 किलोमीटर आगे। ओ भाई, मैं बोलूँ मेरे हाथ में क्या काट रहा है ये देखो जी, ये था ग्लव्स में। ओए होए होए, चाबी से रगड़ी है मैंने उंगली अपनी, पर नहीं यार जलन पड़ रही है बहुत। बैल देखो, व्यू छोड़ो, बैल देखो आप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं सभी अच्छे होने, मौज में होने। तो दोस्तों, फाइनली आज आपका भाई जा रहा है लद्दाख ट्रिप पे। या दोस्तों, आपका भाई लद्दाख ट्रिप पे जा रहा है। टाइम हो रहा है जी सुबह का, बज रहा है अभी 8:15। गाड़ी लेट हो रखी है 15 मिनट। मैंने 8 बजे निकला था वैसे, पर ठीक है निकलते हैं। तैयारी मैंने पूरी कर ली है दोस्तों, बैग मेरा पैक है, बस बाइक स्टार्ट करनी है और निकल रही है। लद्दाख जाने की क्या ज़रूरत है जो? मेरे यहाँ ऑफ रोड इतना है कि भाई क्या बताऊँ आपको मैं। देखो, सारा एक्सपीरियंस मुझे यहीं मिल जाएगा लद्दाख वाला। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की, तो उन्होंने पूरा रोड जो है उखाड़ दिया है। देखो ओ भाई, काफ़ी टाइम हो गया इसको यार, इतने टाइम में तो बन जाना चाहिए था ये। सो गाइस, अपने को लेना यहाँ से लेफ्ट, ये देखिए लिखा है यहाँ पे 157 मनाली और 115 यहाँ से चंडीगढ़। ओ ठीक हो? बढ़िया। सॉरी लेट हो गया मैं। हाँ तो यह भाई अपना सागर, तो यहाँ अभी मोहाली से देख लो, मोहाली से कितने चला ब्रो? मैं चला था 6 बजे, आराम से आया ना 6 बजे। ठीक है, आगे रुके कहीं? हाँ चलो। हाँ सो देखो, बाइक की गाड़ी दिखाता हूँ पहले आपको, एडवेंचर 390 विद स्पोक्स व्हील। एक आती दूसरी ना अलॉय वाली, ये स्पोक्स व्हील वाली। भाई ने पूरा सामान है ना, ये टेंट और मैट। अच्छा मैट इसमें है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हेलो, अपन दोनों साथ में जा रहे हैं गाइस राइड पे, हम दो और ये बाइक की बाइक। इस बैग लग गया अपनी बाइक पे, बैग माउंट हो गया अपना और अब करेंगे राइड कंटिन्यू यहाँ से। और भाई रेडी? तो पहुंच चुके हैं मंडी। और कितना लंबा जाम, माय गॉड। हमने स्टॉप लिया है, हम पहुंचे हैं पंडोह में। पंडोह थोड़ा पीछे हम पंडोह से, और अभी तक तो भाई सफर सही जा रहा है। थोड़ी ऑफ रोडिंग तो मिली पीछे, चिक्कड़ भी मिला, पर ठीक है चल जा रहा अभी काम। ज़्यादा तो हालत अपनी आगे खराब होगी। और अभी एकदम मस्त यहाँ पे छाया है, छाया में लगाई अपने बाइक्स, दोनों बाइक्स इसी साइड में लगाई हैं छाया में। अब आ गई टनल नंबर 12। तो भाई सब में भाई आपको स्लो ही चलना है, चलान हो जाएगा भाई यहाँ पे, बहुत लोगों का चलान हो रहा है भाई टनल्स में। तो आपको भाई यहाँ पे स्लो ही रखनी है, 40-50 या मैक्सिमम 60 तक ले सकते हो मुझे लगता है, इतना तो होना ही चाहिए। पर भाई मज़ा आया। मैं बोलूँ मेरे हाथ में क्या काट रहा है ये देखो जी, ये था ग्लव्स में। ओए होए होए होए, चाबी से रगड़ी है मैंने उंगली अपनी, पर नहीं यार जलन पड़ रही है बहुत। एक साल के बाद आपका भाई कुल्लू शहर आया और देख सकते हो आप नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो ढालपुर और यहीं होता है दोस्तों वो कुल्लू का दशहरे का मेला, वो यहीं होता है। तो दोस्तों कुल्लू पहुंच के, ये हमारा लंच, राजमा चावल भाई बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ के। लंच हो गया अपना, बड़ा सही है भाई। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा है ना? मज़ा आया भाई। मैं 1 साल पहले यहाँ पे था, रहता था मैं कुल्लू में, तो उस टाइम यहीं आते थे अपन खाने ढालपुर में। तो इनके ये राजमा कड़ी सब कुछ एक नंबर है ब्रो। सो करते हैं राइड कंटिन्यू टूवर्ड्स मनाली, एंड राइट नाउ इट्स 2:23 हो गए भाई, करते हैं स्टार्ट गाड़ी। ये हम कनेक्ट हो गए दोस्तों मनाली वाले रोड से। सो चलो, सो यहाँ से मनाली 37 ले 512 एंड रोहतांग इज 91 की 71 कितना पड़ा मैंने। ये आधी रोड यहाँ से फट चुकी है, ये देखो ये मनाली यहाँ से अभी 10 किलोमीटर बच रहा सारा ही। तो इस तरह का भाई सीन है मनाली में, आधी रोड फट चुकी है। देखो जी, देखो भाई मनाली, मनाली के रंग। अभी लिए यहाँ पे पंक्चर किट, क्योंकि आगे गाइस कोई हेल्प नहीं मिलने वाली अपने को लद्दाख में, इसलिए सारा सामान जो है हम पहले ही लेके जा रहे हैं अपना। तो दोस्तों अभी निकलना है अपने को यहाँ से केलोंग, आज का स्टेम करने जा रहे हैं केलोंग में। तो अभी लेंगे यहाँ से हम सोलांग वैली, देन सोलांग वैली से अटल टनल, अटल टनल से सीधा केलोंग।
ये देखो, चेक करो गाइज वो बैल, चेक करो गाइज बैल, बैल देखो, व्यू छोड़ो बैल देखो आप, है ना मस्त लग रहा है ना बैल। हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, एल्टीट्यूड है 10,040 फीट। क्या बात है यार, पहली बार मेरी बाइक यहाँ तक पहुंची है। बड़ी खुशी हो रही है मेरे को यहाँ पर। पहली बार नहीं आ रहा हूँ मैं, पहले आ रखा हूँ मैं, पर यार इसको लेके आया हूँ, पहली बार आया हूँ आज। ये देखो जी अटल टनल, ये है साउथ पोर्टल। ओह माय गॉड, इसकी लेंथ है दोस्तों 8 की 9 किलोमीटर की लेंथ है भाई, वाह। यहाँ पे तो देख सकते हो आप, अलग ही सीन है भाई, पूरा पूरा रोड बह चुका है यहाँ पे, जस्ट टनल के 2 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे रोड क्लियर किया जा रहा है BRO द्वारा। तो ये एक साइड की ट्रैफिक रोक के हुए हैं और एक साइड का ट्रैफिक ये खोल देंगे जैसे रोड क्लियर होगा। स्टोरी लेता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे कर लीजिए फॉलो, जो भी अपडेट रहता बोल रहा इंस्टाग्राम पे। पौने 7 और अभी आपके दोस्त पहुंच चुके हैं तांडी कैलोंग से, और हम यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर पीछे, यहाँ पे कुछ खाएंगे हल्का फुल्का और फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। भाई टाइम वेस्ट हो गया पीछे हमारा, आधा घंटा ना। खा लो आप भी लेज खा लो, है ना। तो भाई नाक भी बहना शुरू हो चुका है। यहाँ से कटते हैं 2 रोड, ये जो ऊपर को चला गया ये चला गया जी किलाड़ किस्तवार उदयपुर, और ये रोड जाएगा सीधा चंबा को, ठीक है, और ये नीचे वाला सीधा लेह को। मैंने एक महीने का ट्रिप करा था ना भाई, वही मैं लेह लद्दाख घूम के श्रीनगर होके चंबा, दैन चंबा सच पास होके इस रोड से मैंने एग्जिट करा था दोस्तों। तो आज फाइनली फिर से वहाँ पहुँच गया भाई आपका। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हाँ जी राम 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 राम। और ठीक है? बस जी बढ़िया बढ़िया। अच्छा उतरी खड़े थे, मैं हाँ ज़्यादा खड़े होना, मैं मेरे को लग रहा है। हाँ फिर मैं गाड़ी आई ना, मैं बिल भेज रहा था, वो दूसरा रोड का आ रहा उधर से उदयपुर से। अच्छा अच्छा, वो जा रहा है नीचे ऑफिसर। अच्छा जी अच्छा, तो गाइस बाइक हमने यहीं पार्क कर दी है और अभी हम जा रहे हैं रूम पे या मेरे चाचा जी, तो आज इनके जहां हमारा स्टे होगा इनके पास, और सुबह यहां से कंटिन्यू करेंगे हम टूवर्ड्स जंस्कार। ये ब्लॉग यहीं तक था, आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा, भाई ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, कल होनी है राइड खतरनाक वाली अगले ब्लॉग में, तो भाई वो देखना आप, उसमें मज़ा आएगा, उसमें होगा पूरा ऑफ रोड जंस्कार, खतरनाक खतरनाक ऑफ रोड।